लास्ट चने की दाल की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है जिसे मैंने अच्छे से ब्लेंड करके बनाया है। शुरू करने से पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो मेरी वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इसलिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें है चने की दाल, इसको मैंने सिंपली बस वॉश किया और इसको मैंने भिगोया हुआ नहीं है। और जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें है हरी मिर्चें, लहसुन और ये अदरक, इन तीनों चीज़ों को हमने ब्लेंड करना है। और जो मसाले हमें चाहिए इसके लिए वो हैं नमक, हल्दी और धनिया पाउडर और लाल मिर्च। बस ये सिंपल से मसाले हैं जो हमने इसमें डालने हैं। और अब हम इन तीनों चीज़ों को जो है वो ब्लेंड कर लेते हैं। सबसे पहले चने की दाल को हम प्रेशर कुकर में पकाएंगे क्योंकि हमने इसको अच्छे से गला लेना है ताकि जो हम इसे ब्लेंड करें तो ईजीली ये ब्लेंड हो जाए। अब इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट बनाया है वो डालना है। और जो ड्राई मसाले थे वो सारे इसमें हमने डाल देने, सब तेल डाल के बस हम इसको प्रेशर लगा देंगे। पानी इतना डालना है कि जो 20 मिनट हमने जो प्रेशर चलाना है उसमें पानी जो है वो ख़त्म ना हो। बस अब हमने इसको प्रेशर लगा देना है। बस अब हमने इसको प्रेशर लगा देना है। मैंने 20 मिनट कुकर को चलाया था और ये जो दाल है वो अच्छे से गल गई थी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें और पानी जो है वो कितना बचा हुआ है। इसको ब्लेंड करने के दो तरीके हैं, या तो ये जो मधानी है आप इसके साथ इसे मिला लें, अच्छे से मिक्स कर लेता, या चाहे ये इलेक्ट्रिक ब्लेंडर जो होता है इसके साथ आप जो है दाल को अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। इसके साथ तो दाल 2 सेकंड्स में जो है वो ब्लेंड हो जाती है और बहुत मज़े की ब्लेंड होती है, इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। और है जी अब तड़का टाइम। अब तेल को मैं अच्छे से गर्म कर लेना है। इसमें मैंने ज़ीरा डाला और गोल लाल मिर्च और हरी मिर्चें, उसके बाद जो है इसमें लाल मिर्च डालनी है पीसी हुई। तेल गरम है, बस साथ के साथ डालनी है और ये फ़ौरन ही जो है और पकना फिर हो जाएगी। बस इसको काला नहीं करना क्योंकि फ़ौरन जल जाएगी, तेल इतना हमारा गरम है। और साथ ही इसमें हरा धनिया एंड डालना और आपके तड़का जो भी है वो अब हम इसमें डाल देंगे। बस अब हमने इसे वापस चूल्हे पर रख कर इसे अच्छे से हमने मिक्स करना है कि ये जो ऑयल है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, वो नज़र नहीं आना चाहिए। बस थोड़ा सा इसे पकाएंगे। जैसे ही इसमें अब ऑयल आना शुरू हो जाए, गरम मसाला और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डाल के बस इसका चूल्हा बंद कर दें और अब ये तैयार है। मज़ेदार चने की दाल जो कि ब्लेंड की हुई चने की दाल तैयार है। चने की दाल की जो ये रेसिपी है ये बॉयल्ड राइस के साथ बहुत मज़े की लगती है। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।